नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है। आज विश्व की सबसे बड़ी जरूरत पर्यावरण का संरक्षण की है और इसके लिए जनजागरण बेहद जरूरी है। इसी जनजागरण का वीणा गाजीपुर के एक शिक्षक सानंद सिंह ने उठाया और कश्मीर से कन्याकुमारी तक की साइकिल यात्रा करने की ठान ली और उसे पूरा भी कर दिखाया। पर्यावरण संरक्षण के अलावा इस यात्रा का एक और उद्देश्य रहा कि गाजीपुर और कश्मीर से कन्याकुमारी तक के जो भी वीर जवान देश के लिए शहीद हुए हैं, उनके परिजनों को भी सम्मानित किया जाए। इस यात्रा के दौरान सानंद सिंह और अपने साइकिल यात्रियों के दल के साथ उन शहीदों के घर भी गए और उनके परिजनों को सम्मानित किया। 25 सितंबर को गाजीपुर से इस साइकिल यात्रा को रवाना किया गया था। 2 अक्टूबर को जम्मू के महात्मा गांधी चौक से साइकिल यात्रा रवाना हुई और महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को कन्याकुमारी में समाप्त हुई। 19 साइकिल यात्रियों के दल ने इस दौरान 13 राज्यों की करीब 75 किलोमीटर की यात्रा की। यात्रा के दौरान विभिन्न गांवों और शहरों के साथ ही शिक्षण संस्थाओं में लोगों को पर्यावरण के प्रति जहां जागरूक किया गया, वहीं सैकड़ों स्थानों पर यात्रा के दौरान वृक्षारोपण भी किया गया। कन्याकुमारी से साइकिल यात्रियों का दल गाजीपुर पहुँचा। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों का फूल माला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद सत्यदेव कॉलेज में जहां से ये यात्रा रवाना की गई थी, यात्रियों का अंगवस्त्रम और प्रशस्ति पत्र देकर स्वागत किया गया। हमने उस संकल्प को पूरा किया जिसको 25 सितंबर को फार्मेसी डे के अवसर पर सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गाजीपुर के इस कैंपस से हम सब लोग जम्मू कश्मीर के लिए निकले। वहाँ माँ भगवती वैष्णो माता का हम सब ने दर्शन किया सभी साइकिल यात्रियों के साथ। मन में इतना भारी उत्साह था कि पूरा भारत का मानचित्र हम लोगों की आंखों में तैर रहा था कि हम लोग जम्मू से निकलेंगे तो आगे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, फिर आगे बढ़ेंगे कर्नाटक आ जाएगा, फिर कर्नाटक से आगे बढ़ेंगे तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरल, फिर तमिलनाडु, फिर लास्ट में तमिलनाडु। एक बड़ी यात्रा 7,500 किलोमीटर की साइकिल यात्रा सत्यदेव ग्रुप ऑफ कॉलेज गाजीपुर ने पर्यावरण जागरूकता अभियान एवं शहीद सम्मान के नाम पर राष्ट्रपिता की याद में पूरा किया है। ऐसे ही हम आज अपनी सिद्धि की बात कर रहे हैं कि 7,500 किलोमीटर की यात्रा हम सब ने मिल करके पूरा किया और यह सुखद आश्चर्य है कि हम सब ने यह घोषणा की है कि हमारा इतना मनोबल बढ़ा हुआ है कि हम पद यात्राएं कर सकते हैं, हम 1,00,000 अपना पेड़ भी लगा सकते हैं, हम बेसों को भी साफ कर सकते हैं। यह साइकिल यात्रा 2 अक्टूबर 2019 को जम्मू के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी चौक से प्रारंभ हुई थी और जम्मू, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, पांडिचेरी, केरल, तमिलनाडु के गांवों और शहरों से होती हुई जनता को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए 30 जनवरी 2020 को कन्याकुमारी में कठिनाइयों में सर हम लोगों को लगता था कि जब हम लोग जाते थे शहीदों के घर तो जो वहाँ दुख दर्द भरी कहानियाँ सुनते थे तो बहुत दुख होता था। दुख इस बात का होता था कि जो पत्नी को पैसा खाते मिलता था वो भाग जाती थी और माँ बिलखती थी, रोती थी। और उसके बाद पर्यावरण जब लगाने हम लोग चलते थे, जब वृक्ष लगाने चलते थे कॉलेजों में तो बच्चों के सामने मिलते थे तो बर्थडे पे कहते कि अब केक ना काट के वृक्ष लगाया करिए आप लोग, और जन्मदिवस के समय और अवतरण दिवस के दिन आप लोग वृक्ष लगाइए। और बड़े पिता पूज्य करमवीर सदेव सिंह का यह सपना था, 1983 में चंद्रशेखर जी के साथ चले थे पैदल यात्रा जो कन्याकुमारी से दिल्ली तक आए थे, और उनका सपना था कि ये पूरा भारत भ्रमण हो जो बड़े भैया डॉक्टर सानंद सिंह ने पूरा किया। और हम लोग को ये खुशी होती है कि कई कठिनाइयाँ हम लोग चलते वक्त नहीं हुई, जो बड़े भैया ने बड़े भैया का सहयोग रहा कि हम लोग ने पूरा कर लिया।